हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, रात को अचानक विंग वांग जी से सेक्स का डिमांड करता है और वांग जी विंग को शांत करते हुए कहता है कल वो फिजिशियन से बात करेगा इस बारे में। वांग जी के इस बात पे विंग खुश हो जाता है और शांत होकर सो जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग जब से प्रेग्नेंट हुआ था वो वांग जी से अलग नहीं होना चाहता था, उसके आंखों के सामने हमेशा उसके लंजा चाहिए। विंग सीजीवी के साथ जिंगसी में बैठ के बात कर रहा था और उसी टाइम वांग जी उसके ब्रदर के पास गया और उसके ब्रदर को बो करके कहा, ब्रदर विंग अपने आंखों के सामने से मुझे हटने नहीं देता है और हटने से ही वो रोने लगता है। मैं इस बारे में फिजिशियन से बात कर चुका हूँ। फिजिशियन बोले है विंग के साथ ये सब प्रेगनेंसी के वजह से हो रहा है। सीचेन अपने छोटे भाई का बात समझते हुए कहा, ठीक है वांग जी, तुम अभी मास्टर वी के पास ही रहो, उनका ख्याल रखो, मैं और अंकल सारे ड्यूटीज संभाल लेंगे। वांग जी अपने ब्रदर को थैंक यू बोला और जिंगसी की तरफ जाने लगा। वांग जी जिंगसी की तरफ जाते हुए देखा क्लाउड रेसेस के गेट पे दो लड़का खड़ा हुआ है। वांग जी तुरंत उन दोनों लड़के के पास गया और बो करते हुए कहा, आप लोग विंग से मिलने आए हो? किंग तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, क्या करूँ, तुम इतना याद करने जो लगे हो, मुझे आना ही पड़ा। वांग जी बाइलू और किंग को विंग के पास जिंगसी लेके गया। विंग उन दोनों को देखते ही बहुत खुश हो गया। विंग जब से प्रेग्नेंट हुआ था तब से वो बहुत मूडी हो गया था। वो कभी भी हंसता था, कभी भी रोने लगता था और कभी भी गुस्सा हो जाता था, हमेशा थका हुआ रहता था। विंग उन दोनों के साथ बहुत सारा बातें किया, बहुत मज़े भी किया, लेकिन अब उसको नींद आने लगा था। विंग वांग जी से कहा, लंजा मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। वांग जी भी उसे बेड पे लेके गया और विंग को सुला दिया। विंग सोने के बाद ही वांग जी किंग के पास आया और पूछा, डेमन किंग, विंग के प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे कोई भी ऐसा फिजिशियन नहीं है जो मेल प्रेगनेंसी पहले ट्रीट कर चुके हैं, अब मैं क्या करूँ? विंग के अंकल भी गियर है और वो भी एक बेबी बर्थ दिए है, लेकिन उन्हें शायद महागुरु वैष्णव सारंग ने हेल्प किए थे, लेकिन अभी महागुरु कहाँ है किसी को नहीं पता। किंग कहा, वांग जी तुम चिंता मत करो, वुशियन अभी ठीक है और दोनों बेबी भी बहुत हेल्दी है। वुशियन के ग्रैंड मदर बहुत सालों से ध्यान में बैठी हुई है, उन्हें अभी परेशान करना ठीक नहीं होगा, उन्हें पता चलते ही वो वुशियन से ज़रूर मिलने आएंगे। मैं और बाईचिन वुशियन को मदद करूँगा, तुम बस वुशियन को खुश रखना। ये सुनते ही वांग जी पूछा, दो बेबी? किंग ने कहा, हाँ फिजिशियन ने बताया नहीं, ओ शायद उनको पता नहीं चला होगा, वुशियन ट्विंस को जन्म देने वाला है। किंग के मुंह से ट्विंस का बात सुनते ही वांग जी के चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल आ गया और किंग भी वांग जी को मुस्कुराते हुए देख के खुद मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ रख के कहा, वांग जी अगर वुशियन तुमसे कुछ मांगता है तो उसे देना, लेकिन बेबी के लिए उसके ऊपर जेंटल रहना। ये बोलते हुए किंग और बाइलू वहाँ से गायब हो गया और वांग जी ये सुन के ब्लश करने लगा, उसका ईयर्स सिर्फ नहीं उसका चीक्स भी अब रेड होने लगा। ऐसे ही अच्छे से दिन बीतता जा रहा था। विंग प्रेग्नेंट है ये बात अब सिर्फ क्लाउड रेसेस में नहीं सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैल गया था। सब लोग हंगनजुन और पैट्रिया के शादी का खबर सुन के ही कन्फ्यूज था। अब विंग प्रेग्नेंट है और वो दोनों जल्दी ही फादर बनने वाले हैं, ये सुन के तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए सब, लेकिन बहुत एक्साइटेड भी थे उन दोनों के बेबी को देखने के लिए। कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्ग दो कल्टीवेटर के बेबी कैसे होने वाला है ये देखने के लिए सब कोई बहुत एक्साइटेड था। विंग अब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट था, उसका अब बेबी बम भी शो होने लगा था। विंग प्रेग्नेंट होने के कारण कहीं बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए समय समय से नी हुशेंग, जिंग लिन, लैंग सिजुई, लैंग जिंगी,
लैन सिचेन, लैन चिरेन सब लोग मिलने आते थे उससे। आज जंगशा विंग से मिलने आया। जंगशा विंग को देखते ही कहा, वेवुशियन तुम सच में एक ट्रैवल मेकर हो। तुम पहले पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना ट्रैवल क्रिएट किए, फिर मर गए, फिर 12 साल बाद लौट के आए और कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बोरिंग पर्सन से शादी कर लिए। और अब क्या, अब तुम प्रेग्नेंट भी हो। एक मैन खुद को कैसे प्रेग्नेंट होने दे सकता है? तुम सच में एक इडियट हो और एक ट्रैवल मेकर हो। अच्छा हुआ अब तुम मेरा नहीं हंगनजुन का सरदर्द हो। आइया जंगशा, अभी बेबी तुम्हारे सारे बात सुन सकता है, तो इसलिए अभी शब्दों पे ध्यान दो। और तुम मुझे बोल रहे हो मैं हंगनजुन का सरदर्द हूँ? ऐसा नहीं है, मैं हंगनजुन का 12 साल का इंतज़ार का फल हूँ, उसका प्यार हूँ। और हंगनजुन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना लर्नर गगा? हंगनजुन जो वहीं पे टी टेबल पे बैठा हुआ था और चाय पीते हुए किताब पढ़ रहा था, वो विंग के बातों पे सिर्फ हूँ कहा। वांग जी के हूँ सुनते ही जंगशा जोर जोर से हंसने लगा और विंग से कहा, वेविशन हंगनजुन कभी हूँ से आगे बढ़ता है? ये कैसे इंटरेस्टिंग हुआ तुम्हारे लिए? विंग गुस्सा होते हुए कहा, जंगशा मेरे लंजा के बारे में और कुछ मत कहना, वो इंटरेस्टिंग है। वो हूँ कहता है, कम बात करता है, क्योंकि उसके हिस्से का सारा बात मैं कर लेता हूँ, इसलिए उसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। जंगशा ये सुनते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है अब गुस्सा मत करो, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम बताओ वेविशन, तुम सच में ठीक हो ना? विंग कहा, अब क्या बताओ जंगशा, मैं जब से प्रेग्नेंट हुआ हूँ तब से बहुत मूडी और थका हुआ रहता हूँ। कुछ भी नहीं करता हूँ फिर भी टायर्ड रहता हूँ, बिस्तर पे हमेशा लेटा हुआ रहता हूँ। तुम देख ही रहे हो मेरा बेली कितना बड़ा हो गया है, मैं देखने में भी अगली हो गया हूँ, मेरा पैर भी सूज गया है। मैं दिन भर खाता रहता हूँ और सोता रहता हूँ। इतना सब कुछ मेरे साथ होने के बावजूद भी मैं बहुत खुश हूँ जंगशा। फाइनली मैं और लंजा अब हमारे फैमिली शुरू करने वाला हूँ। जंगशा ये सुन के विंग के गले लगते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वेविशन। फिर विंग के बेली पे हाथ रख के कहा, मैं तुम दोनों के लिए भी बहुत खुश हूँ। तुम दोनों जल्दी से अपने मम्मा के स्टमक में से बाहर आ जाओ, मैं तुम दोनों को पूरा यूनमैंग खुद घुमाऊँगा। ये कहते हुए दोनों हंसने लगा। रात के समय था, वांग जी और विंग दोनों डिनर करके बेड पे था। फिर से विंग सेक्स का डिमांड करने लगा, लेकिन इस बार वांग जी विंग को मना नहीं किया। वो किंग का बात सुनते हुए विंग जो भी करना चाहता है वो करने दिया। हमेशा उन दोनों के डेली नाइट एक्टिविटी के टाइम वांग जी विंग के ऊपर रहता है, लेकिन इस बार वांग जी विंग को अपने ऊपर रखा, इसलिए क्योंकि बेबी को चोट ना लगे। और विंग जैसा चाहे जो भी चाहे वो करने दिया। इस बार वांग जी बहुत जेंटल रहा विंग के साथ। जब उन दोनों का लव मेकिंग ख़त्म हुआ तो विंग बहुत टायर्ड हो गया था। वांग जी तुरंत विंग को बाथरूम में लेके गया और उसे क्लीन किया, फिर बेड को क्लीन किया, फिर विंग को बेड पे लेटा के ब्लैंकेट उड़ा दिया, फिर खुद को क्लीन करके विंग को बेड पे ज्वाइन किया। विंग वांग जी के चेस्ट पे सर रख के लेटा हुआ था और वांग जी अपने हाथों से विंग के बेबी बम को सहला रहा था। विंग वांग जी से पूछा, लंजा हम दोनों को ट्विंस होने वाला है, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? विंग, बेटा हो या बेटी, मैं चाहता हूँ बस हमारे बेबी हेल्दी जन्म ले। वैसे तुम क्या चाहते हो विंग? विंग कहा, लंजा हम लोगों को ट्विंस होने वाला है ना, तो मैं चाहता हूँ हम लोगों का एक बेटा हो और एक बेटी। बेटा तुम्हारे जैसा हो और बेटी बिल्कुल मेरे सिजिया के जैसा। वांग जी ये सुन के हंसते हुए उसके स्टमक पे हाथ फहराते हुए कहा, बेबी तुम लोग सुन रहे हो ना तुम्हारे मम्मा क्या चाहते हैं? ये सुनते ही विंग के स्टमक में बेबी रिएक्ट करने लगा और विंग खुशी से वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा तुम देखे बेबी अभी रिएक्ट किया। वांग जी भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विंग
विंग अब अपना होंठों पे पाउट लेके कहा, लंजा ये तुम्हारा ही बेबी है। मैं इतना दिन से इन लोगों से बात करता हूँ लेकिन कभी भी रिएक्ट नहीं किया, और तुम आज पहले दिन उन लोगों से बात किए, देखो तुरंत रिएक्ट किया। जाओ मैं तुम तीनों से गुस्सा हूँ। वांग जी हंसते हुए विंग को टाइटली हक करते हुए कहा, विंग हम तीनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और इस बात पे भी बेबी रिएक्ट किया। देखो मेरे बातों पे बेबी भी रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम तीनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विंग इस बात पे बहुत खुश हो गया और वांग जी को लिप्स पे किस करने लगा। ऐसे ही प्यार से और केयर से विंग का दिन बीतता गया। अब विंग 9th month प्रेग्नेंट था। वांग जी बहुत ज़्यादा विंग को लेकर वरिड था, क्योंकि विंग कभी भी बर्थ दे सकता था और उन लोगों के पास अच्छा कोई फिजिशियन भी नहीं था। लेकिन वांग जी को किंग के ऊपर पूरा भरोसा था। उसे पता था विंग को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो किंग जरूर आएंगे उन दोनों को मदद करने के लिए। आज लैंटर्न फेस्टिवल था। आज विंग और वांग जी 12 साल बाद फिर से एक साथ लैंटर्न फेस्टिवल मनाए थे। विंग आज बहुत खुश था, और विंग खुश था इसीलिए वांग जी भी बहुत खुश था। वो लोग दोनों डिनर करके जिंगसी में बैठे हुए थे। विंग बेड पे बैठा हुआ था और वांग जी विंग और बेबी को रिलैक्स फील कराने के लिए वांगसन म्यूजिक प्ले कर रहा था। अचानक विंग जोर से चिल्लाने लगा। वांग जी तुरंत विंग के पास आया। विंग कहने लगा, लंजा मुझे दर्द हो रहा है, लंजा अब क्या करें, लगता है बेबी बर्थ का समय हो गया है, मुझे दर्द हो रहा है बहुत लंजा। वांग जी घबराते हुए कहा, विंग थोड़ा सा सब्र करो, विंग सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग कहने लगा, लंजा तुमने किसी भी फिजिशियन को इस बारे में कुछ नहीं बताए हो और ना ही बुलाए हो, अब क्या करें हम लोग। तुम हमेशा बोलते हो हम लोगों के दोस्त हम लोगों को हेल्प करेगा, कहाँ है दोस्त, बुलाओ जल्दी लंजा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग दर्द से तड़प रहा था और उसका पूरा बॉडी स्वेटी हो रहा था। ये देखते हुए वांग जी अपने मन में किंग को बुलाने लगा, और तभी तुरंत जिंगसी के डोर पे नॉक हुआ। वांग जी तुरंत कहा, डोर खुला हुआ है, आप लोग अंदर आइए। डोर खोल के किंग और बाइलू जिंगसी के अंदर आया। बाइलू तुरंत विंग के पास गया और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ गुड बॉय, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये सुनते हुए विंग जो पैनिक कंडीशन में था वो थोड़ा रिलैक्स होने लगा, लेकिन पेन होना बंद नहीं हुआ। बाइलू वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वेवुशन का अभी के अभी रोप बदलना पड़ेगा, उसे एक लूज और हल्का रोप पहनाना पड़ेगा। वांग जी तुरंत कहा, ठीक है मैं पहना देता हूँ, आप इधर चले आइए। किंग भी तुरंत कहा, हाँ हाँ वांग जी को करने दो, तुम इधर चले आओ बाइलू। विंग और बाइलू तुरंत कहा, सेट अप। दोनों ही कहने लगा, तुम लोग इस सिचुएशन में भी इतना पॉसिबनेस दिखाओगे। किंग और वांग जी दोनों के दोनों सर झुका के खड़ा हो गया। बाइलू वांग जी की तरफ घूम के कहा, लैन वांग जी मुझे लगता है तुम्हारा सबसे बड़ा जो रोप है वो रोप वेवुशन को पहनाना चाहिए तुम्हें, और उसे पैंट मत पहनाना। वांग जी वैसा ही किया। फिर बाइलू वांग जी को बाथटब में गर्म पानी करने के लिए कहा। वांग जी वो भी किया, और साथ साथ लैन सिचन और लैन चिरन को बटरफ्लाई मैसेज भी भेज दिया कि विंग को लेबर पेन शुरू हो गया है। उन लोगों को मैसेज मिलते ही वो लोग जिंसी के बाहर चले आए, साथ साथ बहुत सारे जूनियर्स भी जिंसी के बाहर वेट करने लगे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के विंग के साइड में ही खड़ा था, और विंग बहुत रोते जा रहा था और पुश करता जा रहा था। बाइलू अब विंग से कहा, बेबी अब तुम रेडी हो। विंग भी हाँ कहा और अपना सर हिलाया, लेकिन उसे पता नहीं वो किस चीज़ के लिए रेडी है। विंग आंसर देते ही बाइलू अपने उंगली से विंग के फॉरहेड पे 3 बार नॉक नॉक किया। विंग अब ज़्यादा दर्द महसूस करने लगा, लेकिन साथ साथ अपने बॉडी में एक अलग एनर्जी फोर्स महसूस करने लगा, और वो अपने पूरे एनर्जी के साथ पुश किया और तुरंत एक बेबी बाहर आ गया।
बेबी बाहर आते ही रोने लगा और बाइलू मुस्कुराते हुए उस बेबी को अपने गोद में ले लिया। बाइलू उस बच्चे को देखते हुए कहा, वेलकम, तुम्हें इस दुनिया में स्वागत है। और वांगजी की तरफ घूमते हुए कहा, लैन वांगजी, वे विशियन, तुम लोग दोनों अब फादर बन चुके हो। तुम दोनों का फर्स्ट बेबी एक बेबी गर्ल है। ये बोलते हुए बाइलू वांगजी के गोद में बेबी को दे दिया। वांगजी बेबी को पकड़ते हुए रोने लगा और विंग दूसरा पूस के साथ और एक बेबी बाहर आ गया और बाइलू उसे भी गोद में लेके कहा, वेलकम बेबी, तुम्हें भी इस दुनिया में स्वागत है। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। मैं सोची थी ये फैन पिक आज ही मैं ख़त्म कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। थोड़ा सा बाकी है जो मैं अगले पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूँगी, बाय बाय।